हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो कैपिटल में, जिसमें आपको डेली मार्केट और स्टॉक्स का अपडेट दिया जाता है। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे रेफरल में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स और चार स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक बधाई। इंट्राडे स्टॉक्स से पहले आज के मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में अपडेट किया था, मार्केट करीब 70 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग हुआ और फर्स्ट हाफ तक साइडवेज रहा, फिर थोड़ी सी गिरावट के बाद पुनः साइडवेज हो गया, लेकिन उसके बाद मार्केट में बड़ी गिरावट आई और मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद आइए देख लेते हैं कल वीकली एक्सपायरी के लिए मार्केट में ट्रेडिंग के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। लेवल नोट कर ले, डॉट इन केस बड़ा चेंज होता है तो उसका अपडेट मैं मॉर्निंग में अपने मोबाइल एप्लीकेशन में आज की तरह दूंगा। अगर आपने अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डॉट निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आगे वीडियो में दिया है, आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, एडवांस में मैंने आज के लिए कल चार स्टॉक्स दिए थे। पहला हिंद पेट्रो, दूसरा एलटी, तीसरा आसियान पेंट और लास्ट एचसीएल टेक था, जिसमें से तीन स्टॉक्स ने हमारे लेवल्स को ट्रिगर किया। हिंद पेट्रो, एलटी एंड एचसीएल टेक, जिसमें से एचसीएल टेक ऑल टारगेट लगे, अच्छा प्रॉफिट हुआ और हिंद पेट्रो एलटी कुछ पॉइंट जाकर सेलिंग प्राइस पे क्लोज हुआ और आसियान पेंट ने लेवल ट्रिगर नहीं किए। इनके लेवल पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप भी अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करिए और लेवल्स को फॉलो करिए। वीडियो आई बटन में दिया है, देख सकते हैं। अगर आप भी वीडियो से कुछ सीख रहे और कुछ अर्न कर रहे तो वीडियो को लाइक करें। मैंने कल के लिए धमाकेदार चार स्टॉक्स सिलेक्ट किया है। पहला डिवीस लैब, दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील, तीसरा मोटू फिनेंस और लास्ट टाइटन है, जिनके लेवल्स आगे दिए हैं, देख सकते हैं और चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहे। मेरा पहला स्टॉक है डिवीस लैब, जिसे मैं 3805 के ऊपर बाई करूंगा और स्टॉप लॉस 3777 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल्स को चार्ट पे देखते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसे मैं 594 के ऊपर बाई करूंगा और स्टॉप लॉस 587 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल्स को चार्ट पे देखते हैं। मेरा तीसरा स्टॉक है मोटूट फिनेंस, जिसे मैं 997 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 1010 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल्स को चार्ट पे देखते हैं। मेरा लास्ट स्टॉक है टाइटन, जिसे मैं 2103 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 2125 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल्स को चार्ट पे देखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले।